अंतरिक्ष में भारत, आसमान से सीमाओं पर पहरा, मजबूत होगी निगरानी व्यवस्था, 28 मार्च को लॉन्च होगा अमेजिंग उपग्रह। भारत आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, दुनिया में देश का दबदबा बनता ही जा रहा है। वहीं पड़ोसी मुल्क के साथ भी लगातार तनाव पैदा हो रहा है, मगर अब ऐसे में भारत ने दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक नया तरीका अपना लिया है। दरअसल अब हमारा देश अंतरिक्ष से सीमाओं पर निगरानी करेगा, आसमान से पहरा। भारत की जमीन और समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए एक खास सैटेलाइट के लॉन्च की तैयारी हो चुकी है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रियल टाइम तस्वीरें भी मुहैया करवाएगी। इसकी मदद से प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी भी संभव हो सकेगी। सैट वन आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLVF-10 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के अधिकारी के मुताबिक वो 28 मार्च को इस जियो इमेजिंग उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। सुपरविजन सैटेलाइट GSLVF-10 के जरिए GSAT-1 का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों के चलते स्थगित हुआ था। इसका लॉन्च बीते साल 5 मार्च को होना था। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह भारत के लिए कुछ मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे की वजह से इस उपग्रह से भारतीय जमीन और महासागरों की सतत निगरानी में आसानी होगी। इसरो ने कहा है कि GSAT-1 का वजन 2268 किलोग्राम है और ये एक अत्याधुनिक पर्यवेक्षण उपग्रह है। गौरतलब है कि इस निगरानी सैटेलाइट के लॉन्च के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख की वजह से देश के दुश्मनों की हर हलचल पर हमारे फौजियों की नजर रहेगी। सरहद की निगरानी के काम में भी आसानी होगी। ये सैटेलाइट सीमाओं की वास्तविक समय यानी रियल टाइम तस्वीरों को मुहैया करवाएगा। मौसम पर निर्भर होगी लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक अधिकारी ने बताया है कि वो 28 मार्च को इस जियो इमेजिंग उपग्रह को लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि ये मौसम की स्थितियों पर निर्भर करेगा। ये उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। GSLVF-10 के जरिए GSAT-1 का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसका प्रक्षेपण पिछले साल 5 मार्च को ही होने वाला था। हालिया कामयाबी। इसरो ने 28 फरवरी को अपनी वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के प्रथम समर्पित मिशन के तहत रविवार को ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों का PSLV-C51 के जरिए यहां श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया था। इन 18 उपग्रहों में से 5 उपग्रह छात्रों द्वारा निर्मित है। अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने पिछले सप्ताह कहा था कि जिन तकनीकी मुद्दों के कारण GSAT-1 मिशन को स्थगित कर दिया गया था, उसका समाधान हो गया है। कोविड-19 के कारण लगाए लॉकडाउन की वजह से सामान्य कामकाज प्रभावित होने से इसके लॉन्चिंग में देरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।